75वीं गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट विद्यालय में धूमधाम से हुए देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम खबर कराहल से है, जहां देश के 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरा देश तिरंगामय हो गया। वहीं कराहल में इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए कई दिनों से उत्कृष्ट प्राचार्य के मार्गदर्शन में सभी शासकीय विद्यालयों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके तारतम्य में सुभानगर में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने भारत माता की जय के नारों से पूरे नगर को गुंजायमान कर दिया है। तिरंगा रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर कराहल पंचायत पहुंची, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरपंच झंडा वंदन द्वारा किया गया। इसके उपरांत सभी शासकीय विद्यालय के छात्र उत्कृष्ट विद्यालय कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा झंडा वंदन किया गया। पुलिस बैंड धुन पर राष्ट्रगान के साथ पुलिस जवानों द्वारा तिरंगे झंडे को सलामी दी गई, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत SDM महोदय द्वारा स्वयं पत्र का वाचन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा दी गई देशभक्ति की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी अतिथिगणों का मन मोह लिया, सभी देशभक्ति के रंग में डूब गए। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रस्तुत पत्र और शील्ड दी गई। वहीं मौजूद सभी लोगों के लिए प्रसाद वितरित किया गया। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की के स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद और इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त एकीकृत शाला और आशा करता हूँ अगली बार यह प्रस्तुति प्रथम लक्ष्मी सर जो आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस उत्कृष्ट विद्यालय में मनाया गया है, सर देख रहा था बड़ा भव्य ही आयोजन था, कब से लेकर सर तैयारियां चल रही थी? अनुभाग स्तरीय कार्यक्रम आज हमारे यहाँ पर एक्सीलेंस स्कूल में हुआ, इसको लेकर पिछले 3 दिवस से हमारी सबकी तैयारियां चल रही थी। इसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी तय हो गए थे, कैसे क्या उसकी रूपरेखा थी। आदरणीय SDM सर के निर्देशन में पूरा इसका संचालन का एक प्रारूप तय किया गया था, और आज आप देख रहे हैं कि आप सबके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से 26 जनवरी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर सभी शासकीय स्कूलों के सर बच्चे बुलाए गए थे सर इस प्रोग्राम में? जी, सभी जो शासकीय स्कूलों के बच्चे बुलाए गए थे, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनके दलों को इसमें शामिल किया।